पंजाब में 19 सितंबर को संपन्न हुए जिला परिषदों और पंचायत समितियों के मतदान के बाद आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे तक सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन चुनावों के तहत जिला परिषद के कुल 354 और पंचायत समिति के लिए 2900 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। बता दें कि जिला राज्य में कुल 22 जिला परिषद और 150 पंचायत समितियां हैं। मत की गिनती से पहले विपक्षी अकाली दल ने कांग्रेस पर बूथों पर कब्जा करने, फर्जी मतदान कराने और बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ है। मुक्तसर जिले में वोट देने के बाद अपने इलाके में मतदान केंद्रों का दौरा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया है कि हाथों में तलवार लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूथों पर कब्जा किया और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।